हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि झा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आटे और गुड़ की बिस्किट। आप पूरी रेसिपी देखिए इसकी, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाते हैं आटे और गुड़ की बिस्किट। यहाँ पर मैंने गैस पे एक बड़ा बर्तन चढ़ाया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी कटोरी से मैंने जैगरी ली है, इसे हमें मेल्ट होने तक चलाना है। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, मैं इसे लो फ्लेम पे ही मेल्ट होने दूंगी। जैगरी मेल्ट होने लगी है, देखिए। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था जैसे ही गुड़ मेल्ट हुई। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरे बड़े बर्तन में 3 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। आप चाहे तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखा था उसे मैं अब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूंगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी तो वो स्ट्रेन हो जाएगी। कि अभी भी थोड़ी गर्म है, थोड़ा और ठंडा होने देते हैं इसे। अभी आटे में हम 1/2 कटोरी घी एड कर रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ का पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अभी इसे थोड़ा थोड़ा डालकर एक डो तैयार करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा ये गुड़ का पानी डाल के इसे मिला रही हूँ। मैंने एक डो तैयार कर लिया, ये ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ ऊपर से 1 चम्मच मैंने घी का डाला है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट बाद मेरे पास ये एक स्पून है, मेजरमेंट स्पून है, तो इस मेजरिंग स्पून में मैं थोड़े थोड़े डो को डाल रही हूँ, थोड़े पोर्शंस लेके, जिससे कि सारे भी बिस्किट जो होंगे वो हमारे इक्वल साइज के बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका एक राउंड बॉल बना लिया है। इसे मैंने फ्लैट कर दिया एक बटर नाइफ से, उसकी पीछे की तरफ से हमें ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना है। आप नॉर्मल नाइफ भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बटर नाइफ का यूज किया है। चलिए मैं आपको एक बार और बनाकर दिखाती हूँ। मैंने ये मेजरिंग स्पून में ऐसे डाल दिया, आप कोई भी स्पून ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी राउंड बॉल बनाई। फ्लैट करने के बाद मैं इसमें बटर नाइफ से मार्क लगाऊं, बिल्कुल हल्के से प्रेस करना है जिससे कि मार्क बन जाए। ये देखिए बिल्कुल हल्के से प्रेस करने पे इस पे अच्छे से मार्क बन जा रहे हैं, ये देखिए। इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स तैयार कर लूंगी। तो ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने लो फ्लेम पे ही अभी रखा है, हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई फ्लेम पे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो मैंने बिल्कुल ही लो फ्लेम रखा है इसे। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ मैंने इसे फ्राई करने के लिए एक एक करके डाल दिया। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा और चलाएंगे, मैंने इसे पलट भी दिया था। ये बिस्किट्स खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी भी है। आप चाहे तो इसे
माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में भी कुछ बिस्किट्स बनाए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये पूरे अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। ऐसे ही करके हमें दूसरे स्लॉट में भी मैंने डाल दिया है, सारे बिस्किट सब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे में बटर पेपर रखा है, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। मैं यहाँ पे इसे माइक्रोवेव में डाल रही हूँ। माइक्रोवेव को मैंने प्रीहीट करने के लिए 180 डिग्री पे रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। अभी मैं इसे 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख दूंगी। तो मैंने बिस्किट्स के को रख दिया है, थोड़ी दूर दूर पे ही रखूंगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो ये है फ्राइड वाले जो मैंने फ्राई करके बनाए हैं बिस्किट्स। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बेक किया है। मैं आपको फिर से बता दूं, 180 डिग्री पे मैंने 20 टू 25 मिनट के लिए बेक किया है। ये भी बहुत अच्छे बने हैं, आप जरूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।